हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विश्वर्मा, योर बिजनेस टीचर। टुडेस टॉपिक, न्यू टॉपिक इज प्लानिंग। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग बिजनेस स्टडी से, क्लास 12 से। टॉपिक हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है, हमारे दिमाग में प्लानिंग के माइंड में क्या आता है कि प्लानिंग है क्या, कि फ्यूचर के बारे में सोचना एडवांस में, थिंकिंग इन एडवांस, फ्यूचर के बारे में एडवांस में सोचना कि हमें आगे करना क्या है। हम घर से निकल के चल रहे हैं तो इस गली से जाना है कि किस रास्ते पे जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, ये सब चीज हम एडवांस में सोचकर चलते हैं, इसी को प्लानिंग कहते हैं। और प्लानिंग का मेन रोल है हमारे मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन यही होता है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग है। प्लानिंग से ये स्टार्ट होती है हमारी मैनेजमेंट, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होना जरूरी है। तो प्लानिंग क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, और बाय होम इट शुड बी डन, और किससे करवाना है, क्या करना है, कब करना है, और किससे करवाना है, ये सब चीज डिसाइड होती है एडवांस के लिए प्लानिंग के अंदर। इसको प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या आ गया कि आज प्रेजेंट सिचुएशन में हम कहां पर स्टैंड अप कर रहे हैं, और उसके बीच में ब्रिज का काम करना, प्लानिंग ब्रिज का, पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है कि प्रेजेंट कंडीशन में जहां पर हम खड़े हैं और जहां पर हमें पहुंचना है वहां तक पहुंचाने का जो काम है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। और बात यह बात प्लानिंग के फीचर्स की, प्लानिंग के 7 फीचर में मेन लेके चलूंगा कि प्लानिंग है क्या, क्या क्या चीज में आएगी। तो प्लानिंग सबसे पहला है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हो चाहे टारगेट हो, जब भी कोई भी हमारे टोटल टास्क हो, टोटल वर्क जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का, क्यों ऑब्जेक्टिव को सेट करने में हेल्प क्यों करता है प्लानिंग। प्लानिंग स्टार्ट ही किससे होती है, ऑब्जेक्टिव सेट करने से, स्टार्ट विद द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने से ही प्लानिंग हमारी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला फीचर यही हो गया कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो भी प्लानिंग की जाएगी वो टारगेट ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद ही की जाएगी, प्लानिंग का ही हिस्सा है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट, और टारगेट क्या है कि हमें क्या टारगेट अचीव करना है इस साल या इस ईयर में, इस अकाउंटिंग ईयर में क्या टारगेट अचीव करना है, ये प्लानिंग का ही हिस्सा है, उसको सेट करने का काम भी किसका है, प्लानिंग का है। नेक्स्ट आता है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है और 5ों फंक्शन में प्लानिंग फर्स्ट नंबर पे आता है, प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला फर्स्ट नंबर प्लानिंग का ही आता है, हमें सबसे पहले प्लानिंग ही करनी होगी। नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म, कोई भी अदर फंक्शन हम प्लानिंग के बिना परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, और भी जितने भी फंक्शन होंगे वो ऑब्जेक्टिव को देखकर होते हैं, और ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्लानिंग में ही डिसाइड कर सकते हैं, कि प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर में क्या टारगेट हमें अचीव करना है, उस टारगेट को देखते हुए अगले अदर जो भी फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग हो, काम बांटना, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, स्टाफिंग हो, सब चीज प्लानिंग के बाद ही की जाती है। नेक्स्ट आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि मैनेजमेंट भी परवेसिव है और मैनेजमेंट का फंक्शन प्लानिंग है, तो प्लानिंग भी परवेसिव है, यानी कि यूनिवर्सल फेनोमिना है, इसको भी हर जगह पे माना जाता है। मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर, हर एक डिपार्टमेंट में प्लानिंग होना जरूरी है, इट रिक्वायर्स एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक लेवल में प्लानिंग होना जरूरी है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग की जाती है जहां पर मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन का मतलब आता है यहीं पे, थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग कभी भी हम पास्ट के लिए नहीं करते कि हम पीछे ये करेंगे, हमें क्या करनी होती है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, इसलिए प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग है कि इट नेवर बी डन फॉर द पास्ट, फॉर फ्यूचर, ये पास्ट के लिए नहीं की जाती, सिर्फ फ्यूचर के लिए की जाती है, यानी कि आने वाले समय के लिए की जाती है, इसलिए इसको फॉरवर्ड लुकिंग बोला जाता है, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है प्लानिंग हमारा। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये नहीं कि प्लानिंग हमने टारगेट सेट कर दिया तो ये नहीं कि दोबारा हम प्लानिंग नहीं करेंगे। टारगेट सेट किया है, वो टारगेट अचीव भी तो होगा, वो टाइम आएगा भी तो, और जिस दिन वो टारगेट सेट जो किया था हमने वो अचीव हो जाएगा, उसके बाद दोबारा प्लानिंग करेंगे कि नेक्स्ट टारगेट अचीव करना है, तो हमारी प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। जैसे ही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है कंप्लीट होते हैं, दोबारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होने के बाद दोबारा हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस है, लगातार चलता रहेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प, प्लान करने में, प्रोसीजर बनाने में, मेथड यूज करने में प्लानिंग ही हेल्प करता है, यानी कि डिसीजन लेने में, डिसीजन बनाने में हेल्प कौन करता है, प्लानिंग करता है। इट हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर की चीजें डिसाइड करनी है कि फ्यूचर में ये अचीव होगा कि नहीं होगा। तो ये माइंड पर प्रेशर है कि माइंड से थिंकिंग, हाई थिंकिंग होती है, मेंटल प्रोसेस है, माइंड से किया जाता है बिकॉज इट रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है प्लानिंग करने के लिए। क्लियर है, ये हमारे सब इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। क्लियर है, थैंक्स।